लास्ट ब्लॉग में हम थे क्योटो। क्योटो से बुलेट ट्रेन पकड़ के आज हम जा रहे हैं सपनों की दुनिया में। बिल्कुल व्हाइट होने वाली है ये जगह। हम जा रहे हैं यामागाटा, जो कि जापान की सबसे सुंदर स्कीइंग डेस्टिनेशन है। अभी सिर्फ सेटिंग चल रही है हमारे लगेज की। यही होता है, लगेज सब बहुत ज्यादा होता है तो यही होता है। फुल बर्फ पड़ रही है बाहर, फर्श की हालत। एक बार होटल पहुंचे यार, बहुत लंबी जर्नी होगी, सुबह से निकले हुए। कल पूरे दिन रेस्ट करेंगे, डोंट वरी। नो वंडर हम दोनों को काफी सर्दी लग रही थी और थोड़ा थोड़ा बीमार भी हो गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग तो फाइनली हम वहाँ पहुँच गए, जहाँ पहुँचने का हमें बहुत ज्यादा उत्साह था, एक्साइटमेंट थी। यामागाटा माउंट जाओ में बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, रात से रुकी नहीं है। रात को थोड़ा ठंड भी लग गई हमें, एक्चुअल में हम बहुत लेट पहुंचे थे और बस थोड़ी बहुत मिस कम्युनिकेशन की वजह से हमारी प्रॉब्लम हुई और ठंड लग गई। बट अभी चलते हैं, निकलते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ना बहुत मन कर रहा है तेज की कॉफी पीने का और कुछ खाने का, तो ड्रैगन कैफे ढूंढा है मैंने। यहां से निकलते हैं, कैफे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर आज एक्टिविटीज कर पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कल करेंगे। निकल पड़े हैं दो राही अपनी मंजिल की तरफ। दूर दूर तक कोई नहीं है, बस ये ब्यूटीफुल सा एक व्यू है। स्नोफॉल हो रही है, ठंड कम लग रही है क्योंकि मैं पूरा बाबा बना हुआ हूँ ना। पता लग रहा है तेरे को, काफी जुखाम हो गया, कल खड़े नहीं होना चाहिए था इतनी ठंड में। मिल गया ड्रैगन कैफे, चलते हैं। भाई कितनी स्नो पड़ रही है यार, उधर देख रहा बंदे स्कीइंग वगैरह कर रहे हैं। मैं और हर्ष यहाँ पे पसर के बैठ गए हैं, बड़ा सही लग रहा है यार, एकदम गरम गरम। बहुत ही क्यूट सा कैफे है। भैया हमारे लिए स्पेगेटी और कॉफी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा कुकी और कॉफी आ गई थी। इन्होंने आती पी भी ली कॉफी सारी, मेरे से वेट ही नहीं हो रहा था। तो अब हम खाने वाले हैं सबसे डिलीशियस पास्ता। मैंने कहा बहुत ज्यादा गर्म है, थोड़ा ठंडा करके ले आती हूँ बाहर से। मैंने इसे ठंडा कर दिया तेरे लिए, अब तू खा सकता है आराम से। बाहर ले गए इसको फोटो खींचने के लिए। कैसा है भाई? बहुत बढ़िया, बिना खाए नकली फूड ब्लॉगर बने का रहे तू, दिल खुश हो गया सच बता। तो अभी हमने ड्रैगन कैफे में यहाँ पे खाना खाया दिल भर के, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा स्पेगेटी पास्ता बनाया इन्होंने, वेजिटेरियन मिल गया यार हमें, तो रब मिल गया। कॉफी पिलाई और उसके साथ कुकीज थी, मजा आ गया। चलो उनके और भी गेस्ट आ रहे हैं, निकलते हैं हम। थैंक यू, सी यू, थैंक यू। भाई बर्फ की गोलाबारी हो रही है यहाँ पे एक्चुअल में, और ये भाई सब अपना चश्मा नहीं लेके आए। अब फाइनली हम स्नो मॉन्स्टर्स देखने वाले हैं, अंधेरा हो गया ऑलमोस्ट। तो मॉन्स्टर्स के बारे में तो सबने सुना होगा, बट ये है कुछ अलग टाइप के मॉन्स्टर जो कि सिर्फ बर्फ से बनते हैं, स्नो मॉन्स्टर्स। दुनिया की सबसे सुंदर केबल कार पकड़ के हम जा रहे हैं इन स्नो मॉन्स्टर्स के दर्शन करने। मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं, सच में स्नो मॉन्स्टर्स लग रहे हैं यार। इन्होंने लाइट डाली हुई है इस पे, इल्यूमिनेट कर रहे हैं यार ताकि रात को भी आप देख सको ना, भाई कुछ अलग ही लग रहा है। ठंडी हवा देख रही है कितनी है, ये ठंडी हवा नहीं है पता है भाई, बंदे को मार सकती है। किसी और ही दुनिया में आ गए हम, ये तो हम स्नो मॉन्स्टर्स के बीच में आ गए। शायद ये वीडियो जस्टिफाई भी नहीं कर सकती जो हमने अपनी आंखों से देखा, इट वॉज जस्ट हेवनली। इतनी तेज की ठंडी लग रही थी, बट आई स्वेयर वहाँ से जाने का दिल नहीं हो रहा था। भाई कोई आइडिया नहीं है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे हैं। बाहर बिल्कुल धुंध हो चुकी है, रात को हमने ले लिया ये सोचा था कि वो लाइट्स देखेंगे, लाइट्स दिखी, बहुत ब्यूटीफुल व्यू भी आया, बट अभी सब अंधेरा हो चुका है आसपास। अबे अंधेरा नहीं है, स्नो स्टॉर्म्स आ रहे हैं पता है। वापस पहुंच जाएंगे ना हम? पहुंच जाएंगे -15 -20 degrees होगा यहाँ पे। ओ माय गॉड यार, बड़ी मुश्किल से लाइट नजर आनी शुरू हुई है, एकदम अंधेरे में से निकल के हम फिर से लाइट की तरफ जा रहे हैं। लाइट शिवा तुम्हारी लाइट कहाँ है? वैसे बात करूं जो मॉन्स्टर देखे है ना हमने, वो कुछ अनरियल चीज है यार, ऐसा होता है सच में? कैसा रहा एक्सपीरियंस भाई? पूछ मत, जो आज देखा है ना मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा, सच बता रहा हूँ। क्या जबरदस्त स्नो मॉन्स्टर देखे है ना, मत पूछ ही मत। भाई हम कहाँ से निकल रहे हैं, तू देख रहे है? रास्ता ही नहीं है कोई। आज तो हमारा ना पूरा स्नो एडवेंचर हो चुका है, हालत बहुत बुरी है, चल चल के थक गए हैं, पर मजा इतना आ रहा है, इतनी ब्यूटी इतनी सुंदरता, और रात होते होते तो यहाँ बंदा ही नहीं है, गायब सब। कहाँ है भाई? बर्फ भर लू अपने डब्बे में, भर ले भर ले। अब इसका तू घर जाके गोला बनाइयो, आइस बकेट फॉर यू बेबी। तो जापान में ना ये यहाँ का बहुत ही एक ट्रेडिशनल चीज है ऑनसन। आज मैं और हर्ष ऑनसन में डिप लेने वाले हैं, और ये इसे बोलते हैं यकोटा। तो हमने बाथरूम बेल्ट लगाओ, वैसे ये पहन के जाना चाहिए पता है हमें। हाँ, और ये पहन के फिर आप मतलब बाथ लेके बाहर आ जाओ। तो ये ऐसे पब्लिक बाथ्स बने हुए हैं, चलते हैं अंदर। भाई पूरा वुडन का ऐसे अलग सा ही कॉन्सेप्ट है, कुछ खुफिया रस्ते पे जा रहे हैं हम। अच्छा ये रहा जेंटलमैन, जा तू अपना देखू कैसा। बिल्कुल लड़कों के बाथरूम में घुस गई मैं, कोई भी नहीं है सही में। चल तू एंजॉय कर, मैं लेडीज वाले में जा रही हूँ, और मैं यहाँ लेडीज में आई हूँ। टॉवल दे, एज ऑलवेज कुछ ना कुछ तो भूलना ही होता है। हम आए लेट थे तो सब खाली पड़ा, अच्छा है लोगों का नून टाइम हो गया है, हमारा बाथ टाइम। हेलो गुड मॉर्निंग यार, तो एक्चुअल में काफी गर्म है, मैं तो अंदर जाने का हिम्मत नहीं कर पा रही। हर्ष तेरा क्या हाल चाल है? 45 डिग्रीज है भाई, मैं स्नीक इन करके आ गई हूँ लड़कों के बाथरूम में, जल्दी जा।
अरे जा यार, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, हिम्मत करके जा रहा है जा रहा है। बहुत गर्म है यार, बस अब वहां पे बैठ जाओ, एक पोज दे दे बढ़िया सा, तेरी फोटो खींचूंगी बढ़िया। फाइनली जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, अब जा भी गया। कैसा लग रहा है भाई? क्या रिलैक्स फील हो रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा है कि ना बॉडी हील हो रही है, पता है भाई। और व्यू यहां से, मतलब किस्मत देखो यार, मजे ही मजे। स्नो कवर ट्रीज को फेस कर रहे हैं यार, अल्टीमेट यार। हर्ष यहाँ पे क्रिंजी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। यार तू फोटो खींच रही, तूने वीडियो बनानी शुरू कर दी यार, बड़ा मस्त लग रहा है यार व्यू। मैंने इसकी बहुत वीडियो बना दी है, मैं जा रही हूँ अपने ऑनसन के अंदर। ये ऑनसन जो होते हैं इन्हें ना बहुत थेरेपेटिक माना जाता है, और मतलब इसमें इट्स अ काइंड ऑफ अ थेरेपी जो आपकी बॉडी की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देती है। एक्चुअली बहुत व्हाइटिशनेस है इस पानी के अंदर, जो कि बहुत ही मतलब पता लग रहा है, मिल्की मिल्की चीज जो आपकी बॉडी को एकदम स्किन को देखे देखो कितना सूथ कर देगी, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ये जापानीज ऑनसन जो होते हैं। और जगह जगह पे है, रस्तों में भी मतलब पानी निकल रहा है, जियोथर्मल एनर्जी निकल रही है, और कमाल है यार कुदरत का, देख रहे हो आप। चल फिर मैं जाऊं, बाय। वीडियोग्राफी तेरी खत्म, पैसे दे दियो मुझे। ठीक है, बहुत मेहनत करी है मैंने इस वीडियो शूट पे। जा जा जा। तो फाइनली इनका ये बाथरोब पहन लिया है, अभी इसमें आराम से बैठो, यहाँ पे ड्रायर करो अपने बाल और मॉइस्चराइज करो अपनी स्किन, जो मर्जी करो। बहुत ही सही एरिया बनाया हुआ है इन्होंने, एक्चुअल में मजा आ गया यार। मतलब जापान आ रहे हो ना तो इनके ऑनसेंस का ये एक्सपीरियंस जरूर लेना। रियोकन एक अलग काइंड ऑफ होटल है जो अपने ऑनसेंस के लिए जाना जाता है, तो यहाँ जरूर रुको और ये एक्सपीरियंस लो, ये एकदम बियॉन्ड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, मजा आ गया। तो आज मास्टर शेफ हमारे लिए बनाने वाले हैं उपमा। ये है हमारे पास राजमा, ये है हमारे पास जीरा राइस, और ये है चना मसाला। तो ये होने वाला है हमारी डिनर डेट। तो दोस्तों देख रहे हो, हर बार आपको फैंसी से रेस्टोरेंट में फाइव स्टार सी डेट नहीं मिलेगी, कई बार ऐसी डेट के लिए भी जाने सारी। भाई इसमें भी अपना ही एक फन है, यहाँ बढ़िया सा उपमा तैयार होते हुए। टेस्टी डिनर कराएंगे, तेरे को टेंशन मत ले। राजमा चावल उपमा छोले भी थोड़ी देर में बनाएंगे, अभी और कसर है। कैसा लग रहा है खाना, कोई गिला शिकवा तो नहीं है ना? कभी होता है। फाइनली यामागाता से जाने का टाइम आ गया है, और हैवी स्नोफॉल हो रही है, जाते जाते इतनी स्नोफॉल यार कमाल ही है। और यहाँ हर्ष लगेज एडजस्ट कराता हुआ। तो कुछ इस तरह स्पेंड करे हमने कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल 3 nights इन यामागाता। इस सपनों से भी सुंदर दुनिया को अपनी बकेट लिस्ट में जरूर ऐड कर लेना, जापान जा रहे हो तो यामागाता जरूर जाना। चलो अब बहुत बातें हो गई, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।